दोस्तों आज हमारे पास आ गया ये कैसा नेक बैंड। इस नेक बैंड को अगर आप 10 मिनट चार्ज कर लेते हो तो 15 घंटा कंटिन्यू यूज कर सकते हो। 10 मिनट के चार्जिंग में आप पूरा दिन एंजॉय कर सकते हो इस नेक बैंड के साथ। कैसे है दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। सो दोस्तों आज हमारे पास है क्विकर ब्लूटूथ वायरलेस नेक बैंड। सो जैसा कि देख सकते हैं आज मैं करने वाला हूँ इसका अनबॉक्सिंग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबाकर और जरूर कर लेना ताकि और भी इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। सो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है देखने को इस क्विकर वायरलेस नेक बैंड में। दोस्तों बॉक्स के ऊपर आप देखोगे तो वर्नी की ब्रांडिंग मिल जाती है देखने के लिए। बॉक्स के ऊपर जो लुक मिलता है इसका काफी जबरदस्त मिल जाता है देखने के लिए। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे कॉर्नर में इसका मॉडल मिल जाता है देखने के लिए क्विकर। पीछे के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं, सो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, बट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले करते हैं फटाफट बॉक्स को अनबॉक्स, फिर बात करते हैं इसी वायरलेस नेक बैंड के बारे में। दोस्तों बॉक्स को ओपन करने के बाद आप देखोगे तो इसमें मिलता है 4 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, तो आप इसे अलग से लगा सकते हो। उसी के साथ आप देखोगे तो यहाँ पे एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। यहाँ पे मिलता है एक टाइप सी चार्जिंग केबल चार्जिंग के लिए, तो इसे आप चार्ज कर सकते हो इस नेक बैंड को। दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है नेक बैंड देखने के लिए और यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है इसका नेक बैंड देखने के लिए और नेक बैंड आप देखोगे तो कुछ इस तरह से मिल जाता है देखने को। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके बेल्ट की तो आप देखोगे तो पूरा सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया है बेल्ट के ऊपर और ये काफी स्मूथ बेल्ट मिल जाता है इसमें देखने के लिए। दोस्तों पैनल पे आप देखोगे तो वर्नी की ब्रांडिंग है, तो यहाँ पे वर्नी की ब्रांडिंग मिल जाती है देखने के लिए। और यहाँ पे जो इसका पैनल मिलता है काफी जबरदस्त लुक के साथ आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे पैनल काफी बढ़िया मिल जाता है इसमें देखने के लिए। दूसरी साइड में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। यहाँ पे पीछे आप देखोगे तो 3 बटन्स मिलते हैं यहाँ पे, और दूसरे वाले पैनल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके कुछ मॉडल्स वगैरह मिल जाते हैं देखने को। दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ इसके वायर की, तो वायर की क्वालिटी काफी बढ़िया मिल जाती है देखने के लिए और आप देखोगे वायर पे हल्का लाइनिंग मिल जाता है वायर के ऊपर, जिसकी वजह से काफी जबरदस्त लुक देता है इसका वायर। दोस्तों यहाँ पे एक स्ट्रिप मिलता है, तो वायर को आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा करके यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे ये काफी बढ़िया मिल जाता है देखने के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके बर्ड्स की तो आप देखोगे तो बर्ड्स का जो डिजाइन और लुक मिलता है इसमें काफी बढ़िया मिल जाता है देखने के लिए। और मैं बता दूँ आपको ये मैग्नेटिक ऑन ऑफ आता है, तो जैसे ही आप बर्ड्स को अलग करते हो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, और यहाँ पे जो बर्ड्स मिलता है इसमें पूरा मेटल बर्ड्स मिल जाता है, तो दोनों ही बर्ड्स पे मेटल यूज किया गया है। और आगे का जो एरिया है बर्ड्स का यहाँ पे ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो पैनल मिलते हैं इसमें देखने के लिए, देखने पर ऐसा फील होता है जैसा पूरा मेटल यूज किया गया है, बट मैं बता दूं आपको ये मेटल नहीं है, पूरा प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है यहाँ पे। बट डिजाइन वगैरह आप देखोगे तो काफी जबरदस्त मिल जाता है इसके पैनल का। दोस्तों नेक बैंड का जो साइज है काफी छोटा है, तो पहनने में काफी मजा आएगा इस नेक बैंड को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक ऑन ऑफ आता है ये, और ये दोनों ही बट्स जैसे ही आपस से हटते हैं ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, और यहाँ पे ऑन होने के बाद एक बहुत ही जबरदस्त प्यारा सा साउंड आता है कि वर्नी पावर ऑन। सो यहाँ पे पहनने में काफी मजा आने वाला है इस नेक बैंड को। क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो जो इसपे इसके ऊपर इस नेक बैंड के ऊपर जो मटेरियल यूज किया गया है काफी अच्छा मटेरियल यूज किया गया है। बेल्ट पे आप देखोगे तो पूरा सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया है, पैनल के ऊपर आप देखोगे तो पूरा प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड्स जो आते हैं इसमें मैग्नेटिक बड्स आते हैं, उसी के साथ साथ दोस्तों आप देखोगे तो पूरा मेटल बड्स आते हैं इसमें, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफी अच्छा है ये नेक बैंड। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके फ्यूचर की, तो मैं बता दूँ आपको 5.4 का ब्लूटूथ सपोर्ट मिलता है, तो कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, काफी तेजी से फोन के साथ ये कनेक्ट हो जाता है क्योंकि ये 5.4 लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके कॉलिंग की, तो HD कॉलिंग के साथ आता है, तो कॉलिंग पे भी आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, काफी आराम से आप बात कर सकते हो। 10 मीटर के ट्रांसमीटर डिस्टेंस के साथ आता है, तो 10 मीटर तक का दूरी आप तय कर सकते हो अपने फोन से अलग होकर। दोस्तों अगर आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह करते हो तो ये नेक बैंड काफी बढ़िया हो सकता है, गेमिंग पे भी आप इस नेक बैंड को यूज कर सकते हो, गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है इस नेक बैंड का। दोस्तों किसी भी नेक बैंड का जो सबसे मेन पार्ट होता है साउंड क्वालिटी, और यहाँ पे
पहले मैं टेस्ट करूंगा इसकी साउंड क्वालिटी को, फिर उसके बाद बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी और कॉलिंग क्वालिटी के बारे में। सो चलिए पहले मैं अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करता हूँ इस नेक बैंड को, फिर उसके बाद बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो हो गया इसका साउंड टेस्ट, और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इस नेक बैंड का। जितना आपको बेस चाहिए इस नेक बैंड में मिल जाएगा सुनने को। उसी के साथ साथ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैनल पे आप देखोगे तो तीन बटन्स आते हैं यहाँ पे। दोनों साइड में आप देखोगे तो अलग अलग बटन्स मिल जाते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे जो दो बटन मिलते हैं, इससे आप साउंड क्वालिटी कम और ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, यहाँ पे अगर आपको सॉन्ग वगैरह भी चेंज करना है तो नीचे वाले बटन को अगर आप सिंगल प्रेस करके रखते हो तो सॉन्ग को पीछे लेके आता है, और ऊपर वाले जो बटन है इस पर आप सिंगल प्रेस करके रखते हो तो सॉन्ग को आगे लेके जाता है। यानी कि सॉन्ग को आगे और पीछे भी कर सकते हो यहाँ से आप। बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कॉलिंग बटन मिल जाता है, तो अगर आपके फ़ोन पे कॉल वगैरह भी आ रहा है तो यहाँ पे आप इसको प्रेस करके छोड़ते हो तो कॉल रिसीव हो जाएगा। यहीं पे आप इसको प्रेस करके छोड़ते हो तो कॉल डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, तो यहाँ से आप कॉल रिसीव वगैरह भी कर पाओगे इस नेक बैंड से। दोस्तों, गेमिंग मोड पे जाने के लिए बीच में जो बटन मिलता है इस पे आपको 3 बार टैप करना है, और गेमिंग मोड पे चला जाता है यह नेक बैंड। वहीं पे अगर 3 बार आप टैप करते हो बीच वाले बटन को तो म्यूजिक मोड पे वापस आ जाता है ये। तो यहाँ से आप गेमिंग और म्यूजिक मोड सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके फिटिंग की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक बैंड का जो साइज है काफ़ी छोटा है और काफ़ी अच्छे से गले के अंदर जाके बैठ जाता है ये। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके ईयर फिटिंग की, तो आप जैसे ही बड्स को कान के अंदर डालते हो काफ़ी अच्छे से जाके बैठ जाता है ये, और आप आराम से 5-6 घंटा कंटिन्यू यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। पेन वगैरह होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो इसका ईयर बड्स मिलते हैं इसमें काफ़ी हल्के हैं, और साथ ही साथ जो इसमें ईयर टिप्स मिलते हैं काफ़ी स्मूथ है, तो कान में पेन वगैरह होने का चांस बहुत कम है इस नेक बैंड के साथ। सो फिटिंग के मामले में काफ़ी बढ़िया है ये नेक बैंड। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो बहुत से नेक बैंड ऐसे आते हैं जिनका वायर काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी अजीब फील होता है वायर लंबा होता है तो, बट इस नेक बैंड का आप देखोगे तो वायर जो है काफ़ी छोटा है, तो गले में डालने के बाद काफ़ी ज़बरदस्त लुक आता है इस नेक बैंड का। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जैसे ही कान से आप निकाल कर छोड़ते हो ऑटोमेटिक दोनों आपस में चिपक जाते हैं, और इसमें जो मैग्नेट मिलते हैं ईयरबड्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मिलते हैं इसमें, तो हिलाने वगैरह के बाद भी ये छोड़ते हैं आपस से। दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैग्नेटिक ऑन ऑफ आता है ये नेक बैंड, तो जैसे ही आप बड्स को निकाल के अपने कान के पास लेके जाते हो, आपके कान के पास पहुंचने से पहले ये जो नेक बैंड है ऑन हो चुका रहता है, तो यहाँ पे आपको ऑन ऑफ करने का झंझट बिल्कुल नहीं है इस नेक बैंड में। दोस्तों, कंपनी क्लेम करती है 52 आवर्स बैटरी बैकअप का, बट मैं बता दूं आपको, इस नेक बैंड को अगर आप एक बार कम्प्लीटली फुल चार्ज कर लेते हो तो आराम से 48 या 47 आवर्स कंटिन्यू यूज कर सकते हो इस नेक बैंड को 70-85% वॉल्यूम पे। दोस्तों, इस नेक बैंड में एक फ्यूचर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा कि इस नेक बैंड को अगर आप 10 मिनट चार्ज कर लेते हो तो 15 घंटा कंटिन्यू यूज कर सकते हो। यानी कि 10 मिनट के चार्जिंग में आप पूरा दिन इंजॉय कर सकते हो इस नेक बैंड के साथ। सो फाइनल दोस्तों, काफ़ी बढ़िया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।